से आती है तो फिर मन करता है कि नहीं यार फिर से उसको गाया जाए। बहुत अच्छा म्यूजिक इसका कृष्णा जी ने दिया था, कृष्णा चतुर्वेदी जी लिखे भी थे। रतिया धरतिया पे हो ये गाना मेरा बोल दो, आराज संदा आजाद का लिखा हुआ गाना, ये सारके से रिलीज हुआ है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद, बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था भाई थोड़ा सा, इसलिए आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि आप सबसे और हमारी अक्के भाई है यहाँ, आप लोगों ने इनको मरजावा में देखा होगा और शाहरुख खान जी की कौन सी मूवी रईस मूवी में देखा होगा और बहुत सारे हिंदी फिल्म के हिस्सा बने हैं ये। और इस फिल्म में हमारे विलेन है ये, बहुत सारे विलेन है लेकिन ये भी एक विलेन है हमारे जो पहले बार मुझसे टकराते हैं सिनेमा में और बड़े प्यारे इंसान है ये, इनसे मिल के बड़ा खुशी हुआ। ये व्यवहारिक बहुत है, काम विलेन का करते हैं लेकिन व्यवहार हीरो वाला है इनके पास। भैया का प्यार है और ये मेरा सौभाग्य कि मुझे भैया के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। और आप सब ऐसे ही इनको प्यार दीजिए। ये बबलू भैया है हमारे मेकअप दादा, ये हमारे इंदर सर हैं जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं ये, और इनको कौन नहीं जानता है जग में। जय माता दी। बस माता रानी ऐसे ही सबको प्यार आशीर्वाद दे। मेरी शुभकामना है आप सबको कि माता रानी जिस तरह खेसारी पे दया बरसाती रहे उसी तरह आप सब पे बरसाए, ताकि आप सब ऐसे ही खेसारी को प्यार हर दिन ऐसे ही एक दुलार अपने बेटे की तरह अपने भाई की तरह करते रहिए। तो जय माता दी और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना कि माता रानी सबको ऐसे ही आबाद रखे ताकि हम आबाद रहे, क्योंकि हमारी संपत्ति और हमारी जिंदगी आप सबके हाथों में होती है। तो आप सब आबाद रहेंगे तो शायद हम भी आबाद रहेंगे। तो लव यू ऑल, थैंक यू, जय माता दी।